स्लाइड को लूटना तो कोई मुझसे सीखे। तो आज सुबह से हमारे हॉस्टल का हालत कुछ ऐसे होता है क्योंकि यहाँ पेंटिंग का काम चल रहा है। मैं अकेले अकेले रूम में बोर हो रहा था तो बाहर निकल पड़ता हूँ। फिर थोड़ी देर की जांच पड़ताल के बाद डिसाइड करता हूँ कि म्यूजियम जाते हैं। तो पूरे 2 घंटे के सफर के बाद म्यूजियम पहुंच जाता हूँ। पहले तो यहाँ से गन्ने का जूस पीता हूँ एंड फिर म्यूजियम के अंदर आ जाता हूँ। एंड अंदर आते ही इतने बड़े लाइन में खड़ा होना पड़ता है। लगता है आज सबके घरों में पेंटिंग चल रहा है। खैर फिर टिकट लेके अंदर आ जाता हूँ। वैसे यहाँ पे बहुत सारे चीजें होते हैं जिनके बारे में मुझे कुछ नहीं पता है, पर तभी ये गाइड दिखता है जो कि हर एक चीज के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा था। तो मैं भी उनके पीछे पीछे जाकर सब सुनने लगता हूँ, वो भी फ्री में। एंड फिर जैसे ही मेरा ध्यान भटकता है वैसे ही वो गायब हो जाते हैं। फिर जिसका डर था वही हुआ, मैं खो जाता हूँ। एंड भटकते भटकते माता रानी के पास आ जाता हूँ। फिर उन्हें प्रणाम करके जैसे ही बाहर निकलता हूँ मुझे रास्ता दिख जाता है। एंड फिर अपने भूख को मिटाने यहाँ आ जाता हूँ, जहाँ से ये मलाई बन खाकर अपने हॉस्टल के लिए निकल पड़ता हूँ। एंड कसम से इस भाई ने दिल जीत लिया। फिर हॉस्टल पहुँचते ही रूम का हालत कुछ ऐसे होता है। अब इस पूरे रूम को भाई को अकेले साफ करना था तो मैं भी थोड़ी बहुत मदद कर देता हूँ। खैर व्लॉग अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके जाना।